हाय एवरीवन, वेलकम सीट बाय सुपर कैट। मेरा नाम है काशुभा। सीटीयू जी 2024 वाले बच्चों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू गाइस। तो ऐसे तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपको अभी के अभी जानना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट से। क्या नोटिफिकेशन की डेट है, उसके अंदर क्या चेंज देखा जाने वाला है? बहुत सारी चीजें अब देखिए चेंज होने वाली है सीटीयू जी 2024 वाले बच्चों के लिए भी। देखो, जैसे कि मैं अगर बात करूं, अगर मैं पास्ट ईयर की एनालिसिस करूं तो मुझे पता चलता है कि यार 100 डेज का गैप है बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड द स्टार्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। चाहे आप यूजी एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे पीजी एग्जाम की बात कर लीजिए। अब जनवरी लास्ट वीक और फेब फर्स्ट वीक में आ सकता है नोटिफिकेशन, इस हिसाब से तो मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि 15 मई 2024 जो है फर्स्ट डेट है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन की। लेकिन अब जो सीयूटी पीजी के लिए जो गेम खेला है एनटीए ने, तो आप देखिए यहां पर सीयूटी पीजी के लिए जो 2024 का नोटिफिकेशन आया वो 75 दिन पहले आ गया है एग्जामिनेशन डेट से। तो इस हिसाब से देयर आर टू पॉसिबिलिटीज एज ऑफ नाउ। प्लस एक बात मैं और बताऊं, सीयूटी पीजी में फिर से एक बार एनटीए विफल दिखाई दे रहा है। कई जगह बच्चों का ओटीपी नहीं आ रहा है रजिस्ट्रेशन करते हुए, कई जगह सर्वर एरर आ रहा है, तो कई जगह पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, बहुत से बच्चे परेशान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब एनटीए ने सीयूटी पीजी की जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट बढ़ाई है, करेक्शन की डेट बढ़ाई है, फी पेमेंट की डेट बढ़ाई है। ये अभी रात को नोटिफिकेशन आया है। तो अब देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सीयूटी यूजी में भी कुछ ना कुछ डिले या कुछ ना कुछ गेम खेलेगा एनटीए। दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो जनवरी लास्ट वीक एज पर दी वेरियस न्यूज सोर्सेज जो कि हमने देखा था, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारी जगह आर्टिकल निकला था, जब बात करी गई थी एनटीए के सीनियर ऑफिसर से तो उन्होंने बताया था कि जनवरी लास्ट वीक बच्चे उम्मीद कर सकते हैं। तो यार जनवरी लास्ट वीक और फेब फर्स्ट वीक, ये दो डेट मुझे लग रही है कि आनी चाहिए सीयूटी यूजी के नोटिफिकेशन की। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एनटीए की जो विफलताएं हैं हमें दिखाई दे रही है वो सफल नहीं है। अभी भी सीयूटी पीजी का नोटिफिकेशन आया है, उसके अंदर ठीक से एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। तो फेब का सेकेंड वीक या फिर स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड वीक भी हो सकता है, आप ये भी उम्मीद करके चल सकते हैं। इन केस अगर कोई भी डिले होगा सीयूटी यूजी, वैसे तो मैं आपको बता ही दूंगा सीयूटी यूजी के नोटिफिकेशन में, तो उसमें कोई शॉक्ड होने वाली बात नहीं है, एनटीए से आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी भी चांसेस तो यही है कि जनवरी लास्ट वीक और फेब फर्स्ट वीक, मुश्किल से मुश्किल फेब फर्स्ट वीक आ जाना चाहिए। लेकिन अगर एनटीए का ये कार्य जो ये जो क्रियाविधि है जो चलती रही, ये प्रोसेस चलता रहा, तो फिर यार फेब सेकेंड वीक या स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड वीक आप उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कि यार एनटीए सोच ले कि यार चलो ये यूजी वाले बच्चे हैं, मतलब अभी क्लास 12th के अंदर ही है, यूजी प्रोग्राम करने जा रहे हैं आफ्टर दिस यूटी यूजी एग्जामिनेशन, तो क्यों ना थोड़ा पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। बच्चे गलतियां भी बहुत करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपियर भी होते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन के बाद चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड लेवल। लेवल की बहुत बड़ी बात मैं बता देता हूँ, एग्जामिनेशन पैटर्न का तो आपको पता ही है कि यार एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर कहीं ये बोला जा रहा है कि यार 5 से 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट अब होंगे, कई जगह डोमेन या फिर किसी की जो टाइमिंग है वो सही हो जाएगी, कहीं रेशनलाइज सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ये ट्रेंड के अंदर है। लेकिन अभी जो है लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन स्ट्रीम वाइज मैं बता देता हूं। सबसे पहले साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे सुन लो कान खोलकर, यार आपका जो सक्सेस रेट है बहुत कम है, 0.04%। फिर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे सुन लो, 0.85%, और ये इंप्रूव होकर है 2022 में, इससे भी कम था 2023 में। कॉमर्स वाले बच्चों का 1.24%, जबकि 2022 में ये उससे भी कम देखा गया। तो सबसे जो डिफिकल्ट एग्जाम यहां पर देखा जा रहा है एज पर दी सक्सेस रेट आई एम टॉकिंग अबाउट, और सक्सेस रेट वही है जो कि बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गेटिंग दी 100 परसेंटाइल इन दी सीयूटी एग्जामिनेशन, उस हिसाब से मैं सक्सेस रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। साइंस वाले बच्चे, फिर ह्यूमैनिटीज और फिर कॉमर्स। उसके बाद जो दो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट है और इनके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे भी अपीयर होते हैं, सबसे कम सक्सेस रेट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट, 0.789% और 0.005% का जनरल टेस्ट के अंदर। तो अभी के अभी आपको तैयार होने की जरूरत है, अभी के अभी एटलीस्ट इन दो सब्जेक्ट पे तो काम करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या ऐसी चीजें हैं, देखिए नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन से आने से पहले ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आपको अभी से पता होनी चाहिए। देखिए जैसे नोटिफिकेशन आता है बच्चों की रेस लग जाती है, बच्चे स्टार्ट कर देते हैं फॉर्म फिल करना, गलतियां भी करना शुरू कर देते हैं। उधर एनटीए अपने नोटिफिकेशन में ये लिखता है कि एक बच्चा एक से ज्यादा फॉर्म फिल ना करे, इस केस में हो सकता है उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन मजबूरन बच्चे को फिल करना पड़ता है क्योंकि उसका पहला जो फॉर्म है वो गलत हो जाता है, फिर दूसरी बार रजिस्टर करता है दूसरे मोबाइल नंबर से, दूसरे ईमेल आईडी से।
तो इस तरीके की जो चीजें हैं या गतिविधियां आप बिल्कुल भी ना करें, उसके लिए आपको पूरी की पूरी गाइडेंस यहां पर मिल चुकी है। सीयूटी यूजी फॉर्म फिलिंग के लिए आप कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, कौन कौन से मिस्टेक्स हैं बच्चे वो आप देख सकते हैं कि आप ना करें। फॉर्म फिलिंग के दौरान ऐसी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज या प्लेसमेंट वाइज आप देख सकते हैं जो कि आपको भरनी है। सीयूटी यूजी 2024 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पहले से ही डाल दिया गया है, तो वो आप देखें। सीयूटी यूजी 2024 के लिए फॉर्म फिलिंग गाइड कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अभी से आपको तैयार करनी है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं इसी चैनल पर, CUET by सुपर गाइड, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप जाएंगे जाकर पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स और वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आते रहते हैं। उसके बाद एडमिशन पॉलिसीज जो है या गाइडलाइन है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बहुत तगड़ी गाइडलाइन होती है, तो स्ट्रीम वाइज गाइडलाइन आ चुकी है। और ये मॉक जो है एग्जामिनेशन पैटर्न के लेवल को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल मॉक एनटीए ने रिलीज किया था सीयूटी यूजी का, उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और मॉक अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। देखिए मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप गलती बिल्कुल भी ना करें फॉर्म फिलिंग के दौरान, कहीं आपको 1 साल का फिर से गैप लेना पड़े, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले सारी चीजें आप देखिए, ये सारी चीजें आप लोग देख लें। मतलब जब भी कोई एक्टर किसी किरदार के अंदर उतरता है किसी मूवी को बनाने के लिए, पहले उस किरदार को जीता है, पहले वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना उस किरदार की एक्टिंग करने की कोशिश करता है, उसके उसमें डीप डाइव करने की कोशिश करता है कि यार उसकी जीवन गाथा है, उसकी बायोग्राफी कैसी रही है, फिर जब जाकर वो मूवी शूट करता है। तो यही चीज आपके साथ अभी होने वाली है। अभी आपको इस किरदार को, जब सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल होगा, उस किरदार को अभी से जीना पड़ेगा, और जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी तो आप उस समय पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। सीयूटी बाय सुपर गाइड नाम का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर वेरियस रिलेटेड अपडेट्स टू द सीयूटी एंड पीडीएफ मटेरियल, जो कि आपकी काफी हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच।